السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونسلي على رسوله الكريم. أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. अलम तरह क्या नहीं तुमने देखा इल्लाधीना उन लोगों की तरफ किन लोगों की तरफ की लहुम जिनसे कहा गया था क्या कहा गया था कुफू आइदियाकुम अपने हाथ रोक कर रखो कुफू का रूट काफ फे, फे है कफ कफ हथेली को भी कहते हैं ना तो कुफू का माना है? हाथ रोक के रखो आइदियाकुम अपने हाथों को व वकीीम उसलात और नमाज़ क़़म करो व आत उसज़क़ात और ज़क़़त अदा करो यानी जंग की बजाय जहाद की बजाय दो और चीज़ों पर तोज्जो रखो और वो क्या है नंबर एक नमाज की अदायगी और नंबर दो ज़क़़त की अदायगी नमाज जो है वो ख़ास ज़ाती इबादत है आपका अपने रब के साथ एक जाती ताल्लुक़ है जिसमें कोई दूसरा नहीं होता लेकिन जकवात एक ऐसी इबादत है जिसका ताल्लुक हुकूक लिबाद से है जिसमें बंदे भी इन्वॉल्व होते हैं तो यहाँ दोनों तरह की इबादत की तरफ तवज्जो दिलाई गई कि नंबर एक अल्लाह से अपना ताल्लुक मजबूत करो और नंबर दो बंदों से ताल्लुक मजबूत करो बंदों के हुकूक का ख्याल रखो और याद रखिए कि इन दोनों इबादात में नीयत और तरीका दोनों का दुरुस्त होना ज़रूरी है मसलन अगर आप वैसे ही हाथ मुंह धो रहे हैं तो वो वज़ु शुमार नहीं होगा चाहे आप वो सारे आज़ाद धो लें जो वज़ु के हैं आपकी नीयत दुरुस्त होनी चाहिए फिर इसी तरह तरीका दुरुस्त होना चाहिए सेम नमाज में एक्शंस दुरुस्त होने चाहिए ज़क़त में नीयत होनी चाहिए अगर आप ढेरों माल किसी पे खर्च कर रहे हैं और आपकी नीयत जक़ात की अदायगी की नहीं तो जक़त अदा नहीं होगी वो माल देना इबादत शुमार नहीं होगा यानी वो खास इबादत जिसका नाम जक़त है बाज लोग अगर उनसे कहा जाए कि जकवात दो तो कहते हैं हम तो सारा साल ही देते रहते हैं तो जकवात सारा साल देने वाली बात नहीं उसमें मखसूस मकदार में मखसूस वक्त में मखसूस तरीके पर और मखसूस लोगों को देने का नाम नामजक़ है यानी उसके खर्च करने की जगह भी मुकर है तो यहां पर अगरचे मक्की जिंदगी से मुताबिक है क्योंकि कब ये कहा जा रहा था लोगों से कि अपने हाथ रोक के रखो मक्का में आप जानते हैं कि मक्का में मुसलमान कुरैश के जुल्म का निशाना बने हुए थे खास पर गुलाम और निचले तबके के लोग जिनका कोई मददगार ना था उनमें से अगर कोई इस्लाम कबूल को कर लेता और ज्यादातर इस्लाम कबूल करने वाले वो ही थे तो उनकी शामत आ जाती और इनमें बहुत से ऐसे लोग थे जो बहुत भी मोजिस्ट तो अब आप देखिए कि अगर किसी पर जुल्म हो रहा हो तो उसको इतना हक तो है कि अपने ऊपर किए जाने वाले जुल्म का बदला ले ले ज्यादा ना करे लेकिन जुल्म का बदला तो ले सकता है लेकिन चूंकि मुसलमानों के अंदर अभी ना वो तैयारी थी और ना ही वो ताकत थी उनके पास कि जिससे वो वाकई जुल्म का मुकाबला कर सकें तो उन्हें क्या हुक्म दिया गया कि अभी तुम जंग नहीं करोगे जवाब नहीं दोगे हाँ अपने अंदर को मज़बूत करोगे खुद को तैयार करोगे और किस तरह अल्लाह से अपना ताल्लुक दुरुस्त करके और बंदों के साथ अच्छे ताल्लुक के साथ यानी उनका हक देकर जक़ात वग़ैरह के जरिए इसमें हम ये भी देखते हैं कि बाज रिवायात में आता है कि हज़रत अब्दरहमान बिन औफ और उनके साथी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हम मुशरक थे तो हम इज्जत वाले थे जब ईमान लाए तो जलील हो गए यानी इशारा किस बात की तरफ था कि हम अपना दिफा करना जानते थे जब हम इस्लाम से पहले की हालत में थे तो मुराद ये थी कि हमें इजाजत दी जाए ताकि हम जवाब दे सकें जुलम करने वालों को तो आपने फरमाया अल्लाह ने मुझे दरगुजर करने का हुक्म दिया है यानी अभी हमें जवाब नहीं देना लिहाजा जंग ना करो फिर जब अल्लाह ने हमें मदीना मुंतकिल कर दिया तो हमें जंग का हुक्म दिया गया उस वक्त जब हुक्म आ गया तो बाज लोग जंग से रुक गए फिर वो घबराने लगे तो उसकी तरफ यहाँ इशारा है कि देखो उन लोगों की तरफ जिन्हें पहले यह कहा गया था कि तुम अपने हाथ रोके रखो लेकिन नमाज क़ायम करो जक़ात दो फलमा कुतबा अल ही मुल्कितालु, फिर जब उन पर फ़र्ज कर दिया गया जंग करना लड़ना यानी जब वो पहला हुक्म मनसूख हुआ अब जुल्म करने वालों को जवाब देने की इजाज़त मिल गई इज़ा फरीक منهم हम तो एक ग्रोह उनमें से यक्ष लोगों से डरने लगा और कैसा डरना कशियत जैसे अल्लाह से डरना चाहिए एक वक्त था कि जब जंग करने की इजाजत न थी तो लोग क्या चाहते थे कि हमें जंग करने की इजाजत मिले अब क्या हुआ कि इजाजत मिल गई तो अब क्या करने लगे लोग इजाजत मिलने पर लोगों से डरने लगे और कैसे डरने लगे जैसे अल्लाह से डरा जाता है अशद खशिया या फिर उससे भी बढ़ के डरना उससे भी शदीद डर यानी सबसे ज्यादा डर हमारे अंदर हमारे दिल में किसका होना चाहिए अल्लाह का होना चाहिए लेकिन आमतौर पर इंसान की कमजोरी क्या है कि वो अल्लाह से नहीं डरता बंदों से डरता है वकालू और वो कहने लगे कौन डरने वाले रब बना ए हमारे रब लिमा कत अली नल्कि तूने हम पर जंग करना क्यों फर्ज कर दिया तूने हमें जंग का हुक्म क्यों दिया और तो कतब आला का मतलब पीछे आप बारहा पढ़ चुके हैं फर्ज करने के माने में है लउला क्यों नहीं अखर तना तूने मोहलत दी हमें अखर तना का रूट क्या है हमजा खा आखिर अखीर इसी से है डिले करना मुलतवी करना पोस्टपोन करना इला अजल इन करीब कुछ और मुद्दत करीब की मुद्दत कुछ वक्त और हमें मिल जाता तैयारी के लिए अभी से हम पर जंग क्यों फर्ज हो गई कुल कह दीजिए मता दुनिया कलील दुनिया का फायदा बहुत थोड़ा है दुनिया की मता बहुत कलील है क्यों कलील है कोई एक बात बताइए सॉलिड सी के दुनिया का फायदा थोड़ा क्यों है क्योंकि दुनिया खत्म होने वाली है कुल्लु मन अलहा फान यहाँ की चीजें भी खत्म होने वाली हैं और खुद इंसान भी खत्म होने वाला है बाजों का चीज नहीं खत्म होती घर वहीं का वहीं रह जाता है घर के अंदर का फर्नीचर भी वहीं होता है लेकिन घर वाला चला जाता है और इसमें कोई नेक हो या बद हो कोई पैगंबर हो वली हो आम इंसान हो सब को जाना है कुरान पाक में आता वमा जालना लिबशर कबल कल खुलद आपसे पहले भी हमने किसी इंसान के लिए हमेशगी नहीं रखी सब आने वाले गए हैं आपको भी जाना है तो इसलिए दुनिया का फायदा है ही थोड़ा क्योंकि फायदा उठाने वाले और फायदे की चीजें दोनों ही आर्जी हैं जाने वाली हैं वल आखिरत और आखिरत खैर बेहतर है लेकिन किसके लिए लिमन उसके लिए जो डरता हो तकवा इख्तियार करता हो इन बताने का मकसद ये है कि दुनिया खलील है आखिरत बाकी रहने वाली है जैसे कि एक और आयत में आता है वल आखिरतु तो व अबका आखिरत बेहतर भी है और पायदार भी है हमेशा रहने वाली है लेकिन वो किसके लिए बेहतर है यहां उसकी वजाहत कर दी गई वल आखिरतु तो खैर इत यहाँ शर्त है आखिरत की बेहतरी की दुनिया के मुकाबले में आखिरत है तो बहुत अच्छी लेकिन उसके लिए अच्छी है जिसके अंदर तकवा है जिसके अंदर नेकी का शौक है और तकवा का क्या माना होता है अल्लाह से डरना गुनाहों से बचना और गॉड कॉन्शियसनेस ठीक है ये सब बातें अपनी अपनी जगह ठीक है देखिए तकवा जो है उम्मीद और खौफ मोहब्बत और डर दोनों चीजें लेकिन इन सब चीजों को अगर इकट्ठा करें तो ज्यादा जामे और कम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन जो बनती है तकवा की या तकवा के मफूम के अंदर जो चीज आती है अल्लाह से डर के नेकी इख्तियार करना और बुराई छोड़ देना यह तकवा होता है क्या है तकवा अल्लाह की नाराजगी के डर से बुराइयों को छोड़ देना और अल्लाह की मोहब्बत में नेकियों को इख्तियार करना यानी दो लफ्ज़ कर लें आप नेकी करना गुनाह से बचना तकवा क्या है नेकी करना गुनाह से बचना और इसका किया इसके पीछे क्या चीज़ होगी अल्लाह का डर यानी अल्लाह का ऐसा डर कि जो आपसे नेकी करा ले और बुराई से आपको बचा ले ये है असल तकवा सोचिए इस पर ज्यादा जामे हो गया ना यानी अगर हम सिर्फ डरने की बात में ये सोचें ना अगर कोई ये कहे कि बस सिर्फ गुनाह छोड़ दो गुनाह छोड़ दो गुनाह छोड़ दो तो बात नहीं बनती खाली गुनाह छोड़ने से काम नहीं चलेगा क्यों वो तो वैक्यूम हो जाएगा ना फिर आपकी जिंदगी में कोई एक्टिविटी नहीं रहेगी तो एक तरफ गुनाह छोड़ने हैं और दूसरी तरफ उनकी जगह नेकी करनी यानी एक चीज छोड़नी है और एक चीज इख्तियार करनी है और ये दोनों चीजें किसी दुनियावी फायदे या किसी इंसान के डर से या किसी इंसान के प्रेशर से या किसी होमवर्क के तौर पर या किसी टेस्ट के लिए नहीं या किसी असाइनमेंट के तौर पर नहीं बल्कि अल्लाह की खातिर अल्लाह के डर से अब आप देखें कि बाजुकात नेकी का मौका होता है लेकिन हम सुस्ती कर जाते हैं क्यों कहते हैं कोई बात नहीं फिर कर लेंगे कभी या एक गुनाह से बचने का होता है मौका लेकिन हम सुस्ती कर रहते देखिये जब यह होता ना कि अगर मैंने आज नहीं किया अब नहीं किया और इस मौके को गंवा दिया और यह चला गया तो कहीं अल्लाह ताला मुझसे नाराज ना हो कि ऐ बंदे मैंने तुझे तौफीक दी थी तेरे सामने मौका दिया तुझे चांस दिया था तुझे उस सिचुएशन में ला खड़ा किया और तूने फायदे नहीं उठाया देखे ना अगर हमारे सामने नेकी का कोई मौका आता है और हम इस काबिल उस वक्त होते बाजू का तो वाकई मुमकिन नहीं होता हमारे बस में नहीं होता लिमिट हैं हर एक की एक वक्त में कई एक नेकी के काम हो सकते हैं हम एक ही कर सकते हैं ना एक वक्त में दो तीन तो नहीं कर सकते तो उसमें अगर एक कर लें एक नहीं दूसरा दूसरा नहीं तीसरा कुछ तो करें और अगर कोई शख्स कुछ भी ना करे और बेकार में जिंदगी जया करे तो फिर उस शख्स की पूछोगी हो हिसाब होगा इंसान के कदम हिल नहीं सकेंगे आखिरत में मैदान हशर से जब तक पांच बातों का जवाब न दे तो सिर्फ गुनाह से बचना काफी नहीं नेकी करना भी जरूरी है। और सिर्फ नेकी करना भी काफी नहीं क्या जरूरी है गुनाह से बचा जाए क्यों ये ऐसे ही है कि अगर कोई शख्स अगर सिर्फ अच्छी गजा खाए और जरासीम से परहेज ना करे या हलाकत वाली चीजों से परहेज ना करे जहर खाने से परहेज ना करे तो क्या होगा अच्छी गजा उसको कोई फायदा नहीं देगी इसी तरह अगर कोई शख्स सिर्फ डाइटिंग ही करता चला जाए कुछ भी ना खाए तो क्या होगा सर्वाइव नहीं कर सकता तो ये दोनों चीजें अपनी अपनी जगह जरूरी हैं इन डाइटिंग का मतलब सिर्फ गजात छोड़ देना नहीं होता उसका क्या मतलब होता है तकवा और डाइटिंग को आप आमने सामने कर लें बहुत सी बातें समझ आ जाएंगी तकवा इज डाइटिंग ठीक है तो सही डाइटिंग क्या है जंक फूड छोड़कर हेल्दी फूड हो और वो भी अपनी लिमिट्स के अंदर हो क्योंकि हेल्दी फूड के नाम से भी आप ये नहीं कर सकते कि हद से बढ़ जाए ठीक है ना तो तकवा इसी चीज का नाम है वल आखिरत शर्त लगा दी ना आखिरत बस उसकी अच्छी है जिसमें तकवा है और तकवा क्या है जो एक तरफ इंसान से नेकी करा ले अल्लाह का ऐसा डर जो एक तरफ नेकियों की तरफ इंसान को पुश करे और दूसरी तरफ गुनाह सामने आए तो उससे पीछे हट जाए उसको छोड़ दे वला तो न ना फतीला और न तुम जुल्म किए जाओगे धागे बराबर भी फतील देखिए किसी भी चीज की हकारत या किसी भी चीज की कमी को बताने के लिए अरबी जबान के उसलूब में तीन लफ्स आते हैं और तीनों खजूर की गुटली से मुतल हैं। लिहाजा आप सबको एक एक खजूर खाने की जरूरत है जिससे आप फिर ये तजुर्बा करें तो खा के इन चीजों को देखिए यह अपना होमवर्क है ठीक उसमें एक कितमीर होता है एक नकीर होता है और एक फतील होता है नकीर फतील और और तीनों ही और तीनों ही खजूर से हैं के अंदर हकारत पाई जाती जैसे मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया था कि अरबों की जिंदगी में जो जो चीजें थी उनसे करीब की मिसालें लाकर उनको बात समझाई गई नकीर नुकरा से नुकरा कहते हैं खो हुई चीज को और उस नुकरा से ही फिर उस खजूर की इर्ख निकलती है अगर आप खजूर को भोएं तो बारह वाला तो खैर वला तो लमून फतीला और फतील क्या होता है आपने देखा होगा कि, कि खजूर जो होती है उसके ऊपर से अगर आप उसका ढक्कन उतारें बाज नरम खजूरें होती है ना जब आप उनके ऊपर से उसका छोटा सा वो जो ढक्कन सा या छिलका सा उतारते हैं तो वो सिर्फ ऊपर का हिस्सा नहीं उतरता उसका कॉक बल्कि उसके साथ एक धागा सा भी निकल आता है उसको फतील कहते हैं ठीक है जैसे कैंडल होती है ना कैंडल कैंडल के ऊपर जो धागा होता है उसको भी फतील बोलते या दिए के अंदर जो जलाने वाली चीज होती है वो फतील होती है तो वला उजलमू फतीला थिंघ के बराबर का भी बड़ा हो जाता है फतील बराबर भी जुल्म ना किए जाएंगे नहीं इतना भी किसी का हक या अजर नहीं मारा जाएगा वला तजलमुना फतीला तो खुलासा क्या है खुलासा यह है कि अल्लाह का जब हुक्म आ जाए किसी भी काम के करने का तो उस वक्त हीले बहाने नहीं करने चाहिए चाहे वो काम आसान हो या मुश्किल हो फिर कर जाना चाहिए और यहाँ इंसान की एक और नफ्सियात खोली गई है कि का जो चीज़ उसकी पहुँच में नहीं होती उसके लिए बड़ी तमन्नाएं करता है कि काश मैं हजूर के जमाने में होती तो मैं पता नहीं क्या मार्का करती और क्या क्या कुर्बानियां करती हु? या ये कि अगर मेरे बस में ये होता तो मैं फुला बड़ी आला दर्जे का काम करती मुझे पढ़ने का मौका नहीं मिला अगर मुझे मौका मिल जाता तो आज मैं मालूम नहीं इस्लाम की कितनी बड़ी खादमा होती तो ये सब बातें हम करते हैं जब हम ऐसी हालत में होते हैं कि जब हमारे आस पास कोई मौाक नहीं होते लेकिन जब मौका मिल जाता है तो फिर हम क्या करते हैं फिर सारी सहूलत होते हुए भी वसायल होते हुए भी चांस होते हुए भी हम क्या करते हैं उस मौके से फायदा नहीं उठाते फिर कुर्बानी नहीं करते हर नेकी का, का काम कुर्बानी मांगता है खावो नमाज व खाओ जकवात यहां सिम्बोलिकली दो इबादतों का जिक्र किया गया एक नमाज का जो आपकी पर्सनल लाइफ का यानी आपका एक जती फेल है और एक तरफ जकवात जिसका लोगों के साथ ताल्लुक है तो कोई भी इबादत या वो पर्सनल होती है या फिर वो इंसानों के हकूक से मुतल होती है इन दोनों में इंसान को कुर्बानी करनी पड़ती है हा? तो इंसान जब मौका नहीं होता तो उस वक्त क्या करता है कई लोग हज पे जाने की और उम्रा करने की बड़ी शदीद तमन्ना रखते हैं और बड़ी ख्वाहिश रखते हैं और जिक्र आते ही रोने भी लग जाते हैं और दुआएं भी करते हैं लेकिन जब वहां पहुंच जाते हैं तो फिर क्या करते हैं फिर नमाजों में भी सुस्ती होने लगती है और दरवाजे के पास जूतों के पास खड़े होकर जल्दी से नमाज पढ़ ली देर से पहुंचे और बाजों का इतना सामान खरीद लिया इतनी शॉपिंग कर ली कि वो अंदर भी नहीं जाने देते तो बाहर ही पढ़ लेते हैं बहुत लोगों को ऐसे करते देखा है किन किन तरीकों से वहां पहुंचते हैं कितनी मुशक्कतों के साथ फिर वहां जाकर जिस काम को जाते हैं वो भूल कर तोज्जो गैर जरूरी चीजों की तरफ हो जाती है चले वो भी जिंदगी का एक हिस्सा उसके लिए कोई ऐसा वक्त रखे कि जिसमें आपकी इबादत मुतासर ना हो या आप इबादत के वक्त के लिए थक ना चुके हों या ये नहीं कि आप इतना घूम चुके हैं बाजारों में ये इतना खा बैठे कि आपको अब आप इबादत के वक्त सुस्ती हो जाए और आप काम ना कर सकें तो ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ इसी खास मौके से मतलब है जंग करना या अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना तो एक बहुत आला दर्जे के उसको टॉप की चीज करार ना, लेकिन उससे नीचे नीचे भी हम बहुत से जिहाद करते रहते हैं और उन तमाम मौाक़े पर जिहाद असल में क्या है सिंबल है जान और माल की कुर्बानी का जान और माल की कुरबानी का खा एक्चुअल मौका हो मैदान जंग में या फिर आम जिंदगी के मैदान में कहीं भी दीन के नाम पर कोई काम करना पड़े तो उस वक्त फिर अमली तौर पर हम क्या करते हैं वो हम सब का एक इम्तिहान होता है हा? तो यहाँ पर आप देखें कि इंसान की एक और कमजोरी बताई गई कि वो बाज़त लोगों से इतना डरता है जितना अल्लाह से डरना चाहिए या उससे भी ज्यादा डरता है यानि यहाँ इस चीज का खास तौर पर जिक्र किया गया तो याद रखें कि लोगों के डर से कोई काम छोड़ देना यानी यहाँ डांट भी तो इसी बात पर पड़ रही है ना यहाँ एक किस्म की डांट है क्या देखा तुमने उन लोगों को कि जो पहले तो जिहाद की किताल की तमन्नाएं करते थे और जब मौका आया तो लोगों से डरने लग गए तो लोगों के डर से अल्लाह की इता छोड़ना सख्त नुकसानदेह है लेकिन आम रोजमर्रा जिंदगी में हम सबसे ज्यादा वाकई किससे डरते हैं और आम हालात में नहीं भी डरते लेकिन जब दीन का कोई काम हो जब दीन की कोई बात हो तो सबसे ज्यादा किसका डर होता है लोगों का तो आप ऐसी तमाम चीजों की लिस्ट बना सकते हैं उन सारे कामों की जो अल्लाह ने आप पर फ़र्ज किए हैं जो अल्लाह ने आप पर लाजिम किए हैं लेकिन आप सिर्फ लोगों के डर से नहीं कर रहे अच्छा लोगों में कौन कौन शामिल है बाजों का तो अपने ही शामिल होते हैं अन्नाज जो है ना ये मजमू लफ्स है लोगों में खा आपके करीब तरीन चाहे शौहर हो या ससुराल हो या मेके हों ये कोई जरूरी होता है कि ससुराली मुखालफत करे बात अपने बहन भाई भी बहुत मुखालफत करते हैं या फिर बच्चे हों अपनी औलादे पीछे पड़ जाती हैं बड़ी होके या फिर आस पास के लोग दोस्त अहबाब रिश्तेदार खानदान बरदरी या फिर उससे आगे बढ़ कर इस्लाम के दुश्मन या दीन के दुश्मन या कोई भी तो किसी के डर से अल्लाह का हुक्म छोड़ देना बाज लोग नमाज नहीं किसी पब्लिक प्लेस पर पढ़ सकते कि लोगों से डरते हैं हालांकि वो लोग तो कुछ भी नहीं कहते बेचारे अपने अंदर ही डर है असल में खौफ क्या चीज़ है खौफ एक अंदरूनी नफस्याती कैफियत है जो इंसान के अपने जहन की पैदावार होती है खौफ बाहर नहीं खौफ अंदर होता है आप किसी भी चीज़ से डरना शुरू कर दें तो वो क्या हो जाएगी आप पे हावी हो जाएगी यानी जब आप किसी से डरना शुरू कर देते हैं तो क्या होता है वो चीज़ आपके ऊपर हावी हो जाती है और अगर आप उस खौफ को निकाल दें तो आप देखेंगे कि नॉर्मल तरीके से वो चीज़ आपको नजर आएगी उस चीज की हबत खत्म हो जाएगी और आम तौर पर खौफ का लाइलमी होता है किसी भी चीज से इंसान क्यों डरता है आप देखें कि लोग सजदा क्यों करते हैं आग को सजदे क्यों करते हैं सांप को अपना इलाह क्यों मानते हैं या और नुकसान देने वाली चीजों से क्यों डरते हैं कि हमें नुकसान पहुंचाएगी दुनिया में शिर की सबसे बड़ी वजह क्या चीज बनी उन चीजों का खौफ या उन चीजों का रोब या उन चीजों की अजमत तो इंसान फिर अल्लाह को भूल के उसके आगे सजदा करने लगता है उसका मुती और फर्मा बरदार बनने लगता है तो अल्लाह का डर इंसान को गैर अल्लाह के डर से निजात देता है तो यहां पर क्या कहा जा रहा है कि जो भी लोग दुनिया या दुनिया वालों के डर से अल्लाह की इताज छोड़ते हैं उनको याद रखना चाहिए ये सब कुछ टेम्परेरी जिस इंसान से हम डरें किसी भी इंसान से जिससे आप डरते हो दीन की बात मानते वक्त जो आपके रास्ते में रुकावट हो तो आप सोचा करें कि इसकी हकीकत क्या है? थोड़ा सा एनालाइज किया करें कि जिससे मैं डर रही हूं इसकी क्या हकीकत है इसका अल्लाह के सामने क्या बस है? क्या जोर है कितना कमजोर है ये अल्लाह के सामने ये क्या नुकसान दे सकता है मुझे हजरत आसिया की मिसाल हमारे सामने है, कि फिरौन जैसे जालिम के सामने अगरचि उन पर बहुत जुल्म हुए और उन्होंने दुआ मांगी और न जिन्हें में नल कौम इस जालिम है लेकिन अपना ईमान नहीं छोड़ा अपना रास्ता और अपना दीन नहीं छोड़ा तो लोगों का डर लिमिट्स के अंदर ही होना चाहिए ठीक है ये आप नहीं कर सकते कि बिल्कुल आप बेन्याज हो जाए और बेखौफ हो जाए ये बहुत कम लोगों में होता है जिन्हें किसी का भी डर न हो लेकिन अक्सरियत कमज़ोर होती है मेजॉरिटी के अंदर लोगों का खौफ बहुत होता है नाक कटने का और वह सब वहमत तोहमत और अपने दिल की पैदावार होती हैं ज्यादातर चीजें और आता आहिस्ता आप देखेंगे कि जब आप इल्म में आगे बढ़ते चले जाते हैं अल्लाह की मार्फत ज्यादा होती चली जाती है तो लोगों का खुद ब खुद खौफ कम होता चला जाता है ये नहीं कहीं कुदरती सी बात है और इंसान आमतौर पर किस चीज से ज्यादा डरता है जिसको वो जानता नहीं होता जिसकी हकीकत उसको नहीं पता दुनिया की हकीकत इसीलिए यहां बताई गई कि तुम किससे डर रहे हो एक आरजी और ना पायदार चीज से एक मामूली चीज से जिसको खुद बाकी रहने के लिए भी गैर का सहारा चाहिए और जब चाहे वो उसे खत्म करके रख दे तो कुल मताओ दुनिया के लिए फिर क्या होता है लोगों के डर के अलावा दुनिया के जाने का डर होता है दुनिया के नुकसान का डर मसलन, क्या होता है यानी एक होता है लोगों का डर कि लोग क्या कहेंगे या लोग मजाक उड़ाएंगे या लोग सताएंगे वगैरह वगैरह और आप देखिये मक्का में तो लोग लिटरली सता रहे थे तहसीरक्रन में काफ़ी डिटेल के साथ दो तीन पेजेस पे उन्होंने वो सारे वाकयात लिखे हुए हैं जो मुख्तलिफ लोगों के साथ मक्का में पेश आ रहे थे कि किस किस तरह मुख्तलिफ़ कराम को सताया जा रहा था हज़रत जुबैर जब इस्लाम लाए तो उनके चचा जो थे उनको चटाई में लपेट के धुआं दिया करते थे फिर इसी तरह कुछ लोगों के सीने के ऊपर भारी पत्थर रख दिए जाते थे किसी को कोयले दहका के उस पर जाता था और चर्बी पिघल के कोयले बुझा देते थी इसी तरह किसी को रस्सियों से बांध कर रेत पे घसीटा जाता था मक्का की तपती रेत पर तो उस सारे वाक्यात जो हैं वो डॉक्यूमेंटेड हैं हिस्ट्री में और तफसीरों में मौजूद हैं क्योंकि इस वक्त इतना टाइम नहीं होता इसलिए बहुत डिटेल्स आपको सुनाई नहीं जा सकती तो थोड़ा सा आप अगर खुद पढ़ें कि वो क्या क्या प्रोसिक्यूशन थी जो मक्का के मुसलमानों पर हो रही थी और उनके लिए वाकई इस्लाम का नाम लेना अपने आप को मुसीबतों को दावत देना था हुँ? लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग इन मुसीबतों से डरे नहीं और उन्होंने ईमान का इजहार किया दूसरी चीज जिससे इंसान खौफ खाता है वो उसकी मुआशियात का बर्बाद होना है माल का नुकसान है दुनिया का नुकसान है हा? और वो क्या होता है कि फिर मेरी आमदनी कम हो जाएगी फिर मेरे वसाइल कम हो जाएंगे फिर फुला और फुला चीज को मुझे कट करना पड़ेगा नतीजा क्या होता है कि इंसान जब आखिरत सामने नहीं होती तो दुनिया के नुकसान को बहुत सीरियसली लेता है का था हमें पता होता है एक चीज हराम है लेकिन क्यों नहीं छोड़ते उसको तो और दुनिया का मफाद उसमें अटकाव होता है और जब पता है कि हराम नुकसान देने वाला है और फिर भी नहीं छोड़ रहे सिर्फ इसलिए कि दुनिया का नुकसान हो जाएगा तो फिर इसका मतलब ये कि दुनिया ज्यादा अहम है हमारे सामने आखरत से तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं जिस दुनिया को तुम अहम समझते हो बताओ दुनिया कलील ये सब तो बहुत थोड़ा भल आखिरत तो खैरलमन तका और आखरत आखरत तो फिर उसके लिए जो डरे अल्लाह से और डर के क्या करें वो गलत चीजें और गलत काम और हराम काम छोड़ दे यही तकवा है जो ये करेगा उसकी आखिरत अच्छी है और दुनिया अगर देखा जाए तो किस किस लिहाज से छोटी है अपने उम्र के लिहाज से चीजों की कदर कीमत के लिहाज से मुद्दत के लिहाज से दो चीजों को कंपेयर करने के लिए क्या क्या देखते हैं साइज देखेंगे क्वांटिटी देखेंगे क्वालिटी देखेंगे हम्म, ये चीजें देखते हैं ना आमतौर पर तो दुनिया ऐसे तो नजर नहीं आती जैसे एक किताब नजर आ रही है तो उसको किस तरह आप वैल्यूएट करेंगे एक तरफ आखरत आखरत की जिंदगी कितनी है टाइम पीरियड देखिए दुनिया की कितनी है? उस जन्नत की कीमत क्या है कि एक कोड़ा रखने की जगह दुनिया माफिया से बेहतर है और यहां उसके मुकाबले में कोई भी चीज़ नहीं और दुनिया सिर्फ यह नहीं कि आज की दुनिया या मेरे और आपके सामने की दुनिया जब हम दुनिया का लफ्ज बोलते हैं तो अव्वल से आखिर तक ले लें आदम सलाम के ज़माने तक क्यामत तक की दुनिया को ले लें वो सारी भी सारी दुनिया व माफिया जब वह बोलते हैं ना बोलते हैं कभी माफिया क्या मतलब होता है माफिया का दुनिया माफिया जो कुछ भी है अव्वल से आखिर तक अब आप देखिए कि एक वो है दुनिया जो मैंने देखी मेरी जिंदगी में जो कुछ दुनिया आई और एक वो है जो दुनिया की असल मुद्दत है अब आप देखिए कि असल मुद्दत भी आखिरत की असल मुद्दत के मुकाबले में क्या है कुछ नहीं और फिर खास तौर पर वो हिस्सा जो मुझे मिला चाहे वो उम्र का है चाहे वो माल का है चाहे वो तादाद है मुख्तलफ चीजों की जो आज तक मुझे मिली क्या वैल्यू है उसकी उस आखरत के मुकाबले में कुछ भी नहीं वस्त भी क्वांटिटी वेट क्वालिटी साइज हर हर लिहाज से कोई एक भी पहलू नहीं या तो हो ना बाजू का ये होता है कि जी ये किताब वैसे तो लंबी है मगर मोटी ये है लेकिन दुनिया में तो किसी भी एतबार से ना उसका मोटा पन और ना लंबा पन और ना चौड़ा पाना और ना उसकी लेंथ ना उसका साइज कुछ भी तो उसका बड़ा नहीं है सब ही छोटा है हर हर लिहाज से छोटी है लेकिन इंसान इस हकीकत को समझता नहीं इसकी हिकारत को समझता नहीं हम्म वला खिरतु खैर लिमन इत वुना फतीला अकुनिक मुलमोत जहा भी तुम हो गये जहां भी मौत तुम्हें पकड़ लेगी मौत तुम्हें पालेगी आसमान में हो गए या जमीन में समुन्दर में हो गए या किसी जंगल में किसी पहाड़ की केव में या कहीं भी या किसी दूसरे प्लेनेट पे। आईना माँ तक ऐना भी काफी था लेकिन आईना के साथ जब माँ लग गया तो ये माँ ताक़ीद के लिए उसको और भी छोटा कर यानी कोई जगह बचती नहीं ऐना मातकूनो जहां भी तुम होगे कोई भी चीज इमेजिन करो द्रिक को मौत दाल रे काफ दर्क इदराक पा लेना पकड़ लेना पा लेगी तुमको मौत। मौत से नहीं भाग सकते एक और जगह पर आता है कुल नई अनफाकू इन तुम या बिलकतल कह दीजिए हर गिज तुम्हें फायदा ना देगा मौत से भागना अगर तुम भागो भी या कत्ल से तो भाग नहीं सकते हर जगह तुम्हें पकड़ लेगी वलव कुन तुम और अगरचे हो तुम फी बुरुज मुशा मजबूत किलों में बुरुज बुरज की जमा है बुरज बेरजीम का मतलब होता है नुमाया चीज इसीलिए बारिजा उस कश्ती को कहते हैं जिसके ऊपर बाद बान होता बाश्ती होती है ना तो बुरज कहते हैं नुमाया चीज को बुलंद भी हो और मजबूत भी हो तो अपनी बुलंदी और मजबूती की वजह से जो चीज बिल्कुल दूसरी चीजों से नुमाया नजर आए जैसे हाई राइज हैं मजबूत किले हैं मोहल्लात हैं बुलंद इमारतें हैं मुशा का मतलब है मजबूत की हुई पुख्ता की हुई पक्की बनाई हुई और बुरुज का एक दूसरा माना क्या है जो आसमान में बुरज है जामाय बुरुजन। अल्लाह ने आसमान में बुरज बनाए तो खा तुम दुनिया के किसी बुरज में हो मजबूत इमारत में कहीं छुपे हुए हो ऊंची इमारत की मिसाल इसलिए दी गई कि अमूमन इंसान बचने के लिए ऐसी जगहों का इंतख्य करता है सैलाब हो हो तो इंसान की कोशिश होती है कि वो ऐसी महफूज जगह पर हो हा? और मुशैद होता है जिसकी इंटरव्यू मजबूत हो उनमें सीमेंट लगा हुआ हो और फिर उसके ऊपर मजीद सीमेंट लगा हुआ हो यानी मुशैयत यानी खूब पक्का किया हुआ चूना वगैरह फिरा हुआ तो यहां पर क्या बताया गया अब तीन चीजें हो गई ना नंबर एक लोगों का डर नंबर दो दुनिया की कीमत और नंबर तीन मौत से फिरार। यानी तुम अल्लाह के हुक्म से नाफरमानी कैसे करोगे लोगों से डरते हो तो लोग तुम्हें बचा नहीं सकते दुनिया की मोहब्बत में मुबतला हो तो दुनिया बहुत जल्दी जाने वाली है और अगर तुम मौत से डरते हो तो मौत तो तुम्हें कहीं भी पकड़ लेगी आगे और ये कितनी बड़ी हकीकत है कि इंसान के लिए वो जगह भी लिखी हुई है और वो वक्त भी लिखा हुआ है वह इन तब हम हंस तुन। और अगर पहुंचे उनको कोई भलाई यकूलू वो कहते हैं हादी ही मिन ये अल्लाह की तरफ से है ये कौन कहता है मुनाफिक मुनाफिकीन क्या कहते हैं जब उनको कोई नेमत मिलती हसना का क्या माना नेमत तो कहते हैं ये अल्लाह की तरफ से है ये क्यों कहते थे अल्लाह की तरफ से मिलने वाली नेमतों को ये कहना कि अल्लाह की तरफ से है दरअसल अपने इस्लाम के इजहार के लिए कहते थे कि हम अल्लाह को मानते हैं हम भी अल्लाह की बातें करते हैं हु? और जो कहते थे वो भी बस एक मुहावरे के तौर पे पर का क्या माना है बस वो जो सुनी सुनाई कह देते थे आम बोल चाल में जिसे कुछ तकिया कलाम होते हैं ना लोगों के माशाला इनशाला या अल्लाह का नाम ऊपर ऊपर से लेते रहना और ये भी नहीं पता ना कि इस वक्त मैं कह के रहा हूं तो ये मुनाफिकीन भी जब कोई नेमत मिलती या कोई फ़ायदा होता मुसलमानों को तो कहते ये अल्लाह का बड़ा फजल हुआ हम पर व इन तसिब हम सयातन और अगर उनको कोई मुसीबत आती कोई तकलीफ आती सयाह का माना क्या हर वो चीज़ जो इंसान को बुरी लगे या दुख दे या तकलीफ का जरिया हो जैसे बीमारी या फ़कर या कोई कहत या कुछ भी यकूल हो तो वह कहते हाजही मैन इंदिक ये तेरे पास से आई है तेरी वजह से आई है। किस को कहते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्यों कहते थे ताकि आपको बदनाम करके आपकी कदर और कीमत लोगों के दिलों से घटाएं लोगों को आपसे बदगुमान करें ताकि लोग आप पर ईमान ना लाए और ना आपकी कोई बात माने कितनी घटिया हरकत थी ना उनकी अपने आप को मुसलमान भी शो करते थे कहते थे बड़ा अल्लाह का फजल अगर कोई अच्छा दिन आता और अगर तकलीफ आती तो कहते हैं ये इस सारा इसका कसूर है ये मनहूस आ गया बीच में हमारे इससे पहले तो हम सब अच्छे थे अब यहां पर आप देखिए कि उनकी ये चाल जो है दरअसल इस्लाम को नुकसान पहुँचाने क्योंकि ये मुनाफिक जितने भी लोग थे ये इस्लाम से मोहब्बत नहीं रखते थे इनको इस्लाम अपने लिए एक मुसीबत नजर आता था कि ये हम अच्छे बड़े रह, रह रहे थे अपनी दुनिया खा खमा रहे थे ये बीच में इन्होंने यहाँ आकर सारा सिलसिला जो है वो खराब कर दिया हमारा चैन लुट गया है लिहाजा जो उनके दिल में आता बोलते रहते कभी अपने आप को मुसलमान जाहिर करते क्योंकि मुसलमानों को जंगों में कामयाबी हुई ताकि फायदे हासिल कर सकें और दूसरी तरफ उनको कोई दिलचस्पी भी हकीकी न थी तो ऐसे में आपको अपने लिए नवजुबिल्ला मनहूस करार देते और ये सिर्फ आपके साथ नहीं हुआ पिछले पैगम्बरों के साथ भी होता रहा सूरत यासिन में आपने वायद पढ़ी होगी कालू इन्ना ततयर ना बिकुम लिलम तन तु नर्जुमन्ना को कि हम तो तुम्हें अपने लिए मनहूस समझते हैं अगर तुम बाज ना आए तो हम तुम्हें संसार कर देंगे और इसी तरह सलाम के साथ भी मामला करते हैं सूरत की वन, वन आया था जिसमे कौम फिर सलाम के बारे में क्या कहते थे फैजा जाअ हो मिलहसन कालोलना हाजी जब उन पर कोई अच्छे दिन आते उन्हें नमत ने मिलती तो कहते ये तो हमारा हक है व इन तुसिब हम सै तैयर व मम्मा आहू तो वो मूसा और उनके साथियों को अपने लिए मनहूस करार देते अला इन नमापा इन दल्ला खबरदार इन सब की नहूसत अल्लाह के पास है इन अल्लाह को पता है कि कौन किस काबिल तो पीछे जो वो मना किया गया था ना कि यू मिन बिलजिप्त शगुन और इन बेकार चीजों से परहेज तो उसी की फिर मजीद वजाहत आई और यह हर दौर में होता रहा है मैं जब रात ये पढ़ रही थी ना तो ये पढ़ते ही मेरे दिल पे ऐसी तकलीफ गुजरी कि वो पैगंबर जो रहमत आलमीन बना के भेजे गए सब के लिए उनको इस किस्म के घटिया इल्जाम दिए गए आप अपने आप को रख के देखें कि अगर आपको कोई शख्स मनहूस कहे और ब्लेम करे कि हमारे ऊपर सारी मुसीबतें और हमारे ऊपर सारे मसले तुम्हारी वजह से आए यानी कि कितना दुख देने वाला और कितना गमगीन करने वाला एटीट्यूड है ये कि कहीं किसी पल चैन नहीं लेने देते कोई भी चीज जो है उस पर स्पेयर नहीं करते और ये फिर सो मुस्लिम भी बने हुए साथ यानी जो तो काफिर कहते थे काहिन शायर वगैरह वो तो अपनी जगह था वो खिताब भी थे ना जो मक्का में आपको दिए गए और यहां एक दूसरी तरह के खिताब है और ये उन लोगों की तरफ से हैं जो अपने आप को आपका साथी करार देते थे यानी हमारी अपनी गुफ्तगु के अंदर भी कंट्रोडिक्शन होती है एक तरफ अल्लाह का नाम ले रहे होते हैं और दूसरी तरफ जरा सी कोई तकलीफ आती है तो कभी किसी को ब्लेम करते हैं कभी किसी को करते हैं बहरहाल व इन तुसिब हम सै तो यकुल हादी ही मनंदिक कुल आप कह दीजिए या मोहम्मद क्या कुल मन दिल्ला सब अल्लाह की तरफ से है ये अच्छे बुरे दिन सब उसके एजन से आते हैं हसनना और असैया फमा फिर क्या है इन लोगों को इस कौम को किस कौम को मुनाफिकों को ला या का दूना नहीं लगते नहीं करीब यफ कहू ना हदीसा कि वो समझे कोई भी बात इन लोगों की समझ में कोई बात आती ही नहीं ये मुनाफिकीन ऐसे हैं कि इनकी समझ में कोई बात आती नजर नहीं आती यानी के यकादून का मतलब होता है करीब नहीं आते यानी समझ के करीब भी नहीं है तो समझ तो बहुत ही दूर है अंदाज देखा आपने यानी ये समझने के करीब भी नहीं आते तो समझते तो फिर बिल्कुल ही नहीं अगर समझ के पास भी नहीं पटकते नहीं समझे एक होता ना किसी चीज को समझना और एक होता है, समझने के भी करीब होना तो ये तो करीब भी नहीं है समझने के कहा के समझ भी आए इनको कुछ इससे एक और बात पता चलती है क्या कि दीन की बातें अल्लाह का हुक्म मुनाफिकों की समझ में नहीं आता बास बुजुर्ग जब उन्हें कुरान की कोई बात समझ ना आती तो वो इस पर रोते थे ये तो मुनाफिकीन की सिफत अल्लाह ने कुरान में बताई है कि उन्हें बात समझ नहीं आती हमें भी कभी रोना आया कि क्यों नहीं समझ में आती मेरी ये बात और बाजोकत हम तर्जमा जान लेते हैं वो देख लेते हैं पढ़ लेते हैं मगर वो असल रूह जो है या वो डेप्थ जो है वो नहीं हमें समझ आती कि मकसद क्या है इसीलिए बाज लोग आउट ऑफ कॉन्टेक्स आए कोट करते रहते हैं जो दिल में आए कहीं से कहीं बात लगा दी तो मुनाफिक की पहले पारे में जो आपने सिफात पढ़ी उनमें दो सफात की तकरार हुई थी और वो क्या थी ला षरून व मरून शौर से खाली है फिर ला यालमून इल्म से खाली हैं यहां लायफ कहूँ ला यकादून ने यफ कहून लायफ कहू ने बल्कि ला न यफ समझ के करीब भी नहीं फटकते बिल्कुल ना समझ लोग हैं तो दीन की समझ ना होना मुनाफकत पैदा करता इंसान के अंदर या मुनाफकत का सबब दीन की समझ से आरी होना है तो किस कदर जरूरी है कि इंसान अल्लाह की बातों को समझने वाला हो कि अल्लाह ने हमें पैदा किया वो चाहता क्या हमसे इस दुनिया में तो अब आप देखिए कि अगर इंसान इसकी कोशिश भी ना करे तो फिर कहाँ कहाँ रहे और इसके बरक्स अल्लाह जिससे भलाई का इरादा करता है उसके साथ क्या करता है हदीस में आता है ना वई दिल्ला खईरन यु दीन अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा करता है उसको दीन की समझ दे देता है, उसको दीन की बात समझ आने लगती है और उसके दिल में उतरने लगती है और उसका दिमाग रोशन होने लगता है और उसके लिए एक नई दुनिया खुल जाती है लेकिन मुनाफिकीन कुरान सुन के भी पढ़ के भी समझते कुछ नहीं अंदर कुछ नहीं उतरता तो यहां पर बेसिकली ऐसे लोगों की मजम्मत की जा रही है जो बात ना समझे और दूसरी बात यह है कि शुगुन लेने की भी ममानत हो रही है शगून लेना क्या होता है फलां मनहूस और फलां का पाँव साध है कहते हैं ना कि का मुबारक कदम अंदर आया तो ये हो गया और फलां जो है वो आया तो मनहूस कदम सब्ज कदम इससे मना किया गया है। तो ये हर इंसान की आजमाइश होती है ये अलग बात है कि कोई इंसान अपने गुनाहों की वजह से शामद का शिकार हो तो कुरान पाक क्या कहता है कि इंसान हर इंसान की नहुसत कहाँ है उसकी अपनी गर्दन में लटक रही हुँ? कि हर इंसान जो अमल करता है वो अपनी झोली में डाल रहा है ना तो इसी से उसकी नहुसत खुशकिस्मती और बदकिस्मती का फैसला होगा क्या के दिन अपनी जात में पैदाइशी तौर पर ना कोई खुशकिस्मत है और ना कोई मनहूस आखरत के एतबार से उसका अमल ही उसको खुशकिस्मत या बदकिस्मत बनाता है बहरहाल शगून लेना मना है कुल कुल्ल में निंदिल्ला। किसी के आने पर अगर कोई भलाई आपको मिली है या आपको कोई मुसीबत आई है तो वो असल में अल्लाह के इजन से आई है हर चीज अल्लाह के इजन से है लेकिन ये बात मुनाफिकों को समझ नहीं आती ये तो करीब भी नहीं फटकते समझने के फिर मिन हसन आपको जो भलाई भी पहुंचती है फ़मिनल्ला वो अल्लाह के फजल से वमा असाबा कमिन से ही आते और जो भी तकलीफ आपके पास आती है फमिन नफ्सिक तो वो तुम्हारे ही नफ्स की तरफ से वह अरसल्ला का ल्सी रसूला और हमने आपको लोगों के लिए रसूल बना के भेजा और दूसरी जगह क्या आता वमा अरसला कामतमीन व कफाबल्ला ही शहीदा और काफी है अल्लाह गवाह किस पर आपके रसूल होने पर इसमें दो राय एक ये है कि ये आम लोगों के लिए है दूसरी राय ये है कि ये भी आप ही के लिए है क्योंकि आगे व अरसलना का की जो ज़मीन है वो भी आप ही से खिताब है यानी आपसे भी खिताब है और आपके अलावा बाकी लोगों को भी कहा जा रहा है तो हम सब के लिए एक अमूमी क़ायदा है क्या कि अगर हमारी जिंदगी में कोई खैर की खबर कोई खैर की चीज़ आती है कोई भलाई आती है कोई नेमत आती है तो वो दरअसल अल्लाह का फजल होता है अल्लाह वो अल्लाह की तरफ से आती है क्योंकि हर चीज़ का मूज कौन है अल्लाह है और इंसान को किसी भी किस्म की जो खुशी खुशहाली मिलती है वो क्या है दरअसल इंसान पर अल्लाह का एहसान है अल्लाह का फजल है लेकिन उसके पीछे भी होता क्या है अल्लाह इंसान का इम्तिहान चाहते हैं खूबी खैर देकर भी इंसान को आज़माया जाता है कि वो इस पर अल्लाह का शुक्र कैसे अदा करता है इस नेमत को पा के अब करता क्या है और फिर तकलीफ वगैरह जब इंसान पर आती है तो उसके आने का मकसद क्या होता है हु? कि इंसान इनसे सबक सीखे और अपनी गलतियों को महसूस करे अपनी गलतियों की तरफ तोज्जो करे और यह बात बहुत बड़ी सच्चाई है कि आपने देखा होगा कि जब कोई नुकसान होता है जब कोई तकलीफ आती है तो अमूमन हम क्या करते हैं हम क्या सोचते हैं एकदम ऐसा लगता है कि फ्लैश होता है ना जहन में यानी दिमाग में फ्लैश होता है और जो गलतियां की होती है ना वो ऐसे एक दफा फ्लैश करके दिखा दी जाती है उसके बाद वो फ्लैश खत्म हो जाता है फिर शैतान आ जाता है फिर शैतान और और वजूहत बताता है दूसरी जगह पर यह भी आता है कि व माँ असाबत कुबत फिमां का सबत अदी कुम व याफो अनकर कि जो भी तुम पर कोई मुसीबत आती है वह तुम्हारे अपने हाथों की कमाई से आती है यानी तुम्हारे ही गुनाह होते हैं और वह बहुत सी चीज़ें तो वैसे ही माफ कर देता है यानी उन पर तुम्हें सजा नहीं देता तो बात यह है कि जब इंसान पर कोई तकलीफ आए तो उसको अल्लाह तुम चीज़ दिखाए कि देखो ये फलाँ गलती थी तो इंसान के लिए वो पलटने का मौका होता है इंसान फौरन एतराफ़ कर ले इतराफ़ करके क्या कहे इलाहा अंत सुबहाना का इन्नी कुंत मन ालमीन या रब जो कुछ भी मेरे साथ हुआ ये मेरी गलती थी मेरा अपना कसूर था ऐसे में जो शख्स ये रवैया अख्तियार करता है इलाहा इला अंत सुबहाना का इन्नी कुंत मन ालिबिन अल्लाह उसको माफ़ फरमा देते हैं और उस मुसीबत से निजात दे देते हैं जल्द या बदेर लेकिन कुछ लोग इस मौके पर भी लायक आदू ना यफका होना हदीसा फिर भी उनको समझ नहीं आती कि उनके साथ ये मुसीबत क्यों हुई उनके साथ ये हादसा क्यों हुआ या ये तकलीफ क्यों पेश आई उस वक्त भी नहीं सोचते और अपने अंदर गलती तलाश करने की बजाय क्या करते हैं बाहर गलतियां तलाश करने लगते हैं दूसरों से कंप्लेन करने लगते हैं और दूसरों को ब्लेम करने लगते हैं हमारी अक्सरियत का हाल यही है कि जब कोई नुकसान होता है तो हम फौरन ब्लेम एंड कंप्लेन की नफसियात का शिकार हो जाते हैं उसकी वजह से इस वजह से उस वजह से उस वजह से ठीक है बहुत सारी मुसीबतें असबाब के पर्दे में ही आती हैं वो अचानक नहीं टूट पड़ती कोई सबब बनता है वो सबब तो बनेगा ही क्योंकि दुनिया असबाब की है जैसे नेमतें असबाब के पर्दे में आती है ना ऊपर से थोड़ी आपका रिस्क फेंका जाता है कोई इंसान जरिया बनता है कोई और चीज जरिया बनती है तो जरा तो होते हैं लेकिन आता अल्लाह ही की तरफ से तो उसको फिर क्या समझ के कबूल करना चाहिए कि ये अल्लाह का एहसान है मुझ पर कोई भी कामयाबी जिंदगी में जो मिली या नेकी का मौका मिला और अगर तकलीफ आती है तो उस वक्त वो झटका लगने पर जो पहला फ्लैश आपके जहन में होता है कि देखा तुमने फलां के साथ ये किया था ना अब अल्लाह ने तुम्हें दिखा दिया यानी ये, ये चीज एकदम होती जरूर है लेकिन बहुत से लोग उस मौके पर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं हकीकत को फेस नहीं करते वो चीज़ नहीं देखते वो मानना ही नहीं चाहते एतराफ़ ही नहीं करना चाहते वो अपनी गलती पर इसरार किए चले जाते हैं लिहाजा नतीजा क्या होता है उससे बाहर भी नहीं निकलते फिर हालात दुरुस्त भी नहीं होते अल्लाह ताला को बंदे से क्या मतलूब है कि बंदा अपनी गलती का एतराफ़ कर ले तो फमा असाब कमिन हसन फमिन सतिन फमिन नफिकना कलना से रसूला अब आपके जहन में एक सवाल ये आ रहा होगा कि पैगम्बर जो हैं उनके तो अगले पिछले गुना माफ हो गए तो फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि आप की तरफ से तकलीफ और पीछे कहा गए कुल कुल्लु इंदिल्ला तो इन दो आयतों में कंट्रोडिक्शन नहीं है अगर हमारे ऊपर कोई तकलीफ हमारी किसी गलती की वजह से आई है तो भी अल्लाह का इजन होता तो आती है ठीक है कुल कुलकुल्लु बिनदिल्ला और फिर पैगंबर जो होते हैं उनकी जो खता होती है वो आम इंसानों वाली नहीं होती पैगंबर के हक में खता क्या होती है मसलन हजरत यून की खता क्या थी अल्लाह का फैसला आने से पहले उन्होंने कौम को तबलीग छोड़ दी थी कि ये नहीं समझते बस मैं नहीं समझा रहा हूं अगर एक कोई आम इंसान ये कहे तो उस पर यह मुसीबत नहीं आएगी क्यों इसलिए कि वो एक आम इंसान है लेकिन अंबिया चुने में होते हैं अगर अंबिया में से कोई ऐसा करे तो उसके साथ फिर यून सलाम जैसी मिसाल हमारे सामने फिर इसी तरह आप देखें कि नबी सल्लल्लाहु अल्लाह वसलम अल्लाह की चुनी हुई मखलूक है यह नहीं कि नौजुबिल्ला आप कोई गलत काम करते थे या आप को खताकार थे पैगंबर की नाफरमानी नहीं होती लेकिन आला से अदना की तरफ आना जो है वो क्या है यानी है दोनों ने की लेकिन आला से अदना तो पैगंबर के हक में वो मतलूब नहीं है पैगंबर चुने हुए आला तरीन मकाम के लोग हैं उनसे सिर्फ आला अमल ही की एक्सपेक्टेशन होती है उससे कम की नहीं अगर वो उससे कम की करेंगे तो क्या होगा वो उनकी खता होगी ठीक है इनशाला आगे भी आयात आएंगे मसल इन्ना फता फतः मुबीना लिय फिर मातकदमिन व माता अखर हमने आपको मुबीन मुबीनता की ताकि अल्लाह आपके अगले पिछले गुनाह माफ कर दे तो वो कौन से गुनाह थे पैगम्बर के हक में जम्ब क्या चीज है म कहते हैं कसूर को वो क्या कसूर है वो कसूर कमी है कमी किस में उस आला तरीन अमल से कम अमल में ना कि फरमा बरदारी छोड़ के नाफरमानी पैगम्बर अल्लाह की नाफरमानी कतन नहीं करते समझ रहे हैं इस बात को यानी फर्स्ट क्लास से अगर सेकेंड में भी वो आते हैं तो वो उनका कसूर होता है ठीक अच्छा फिर इसी तरह आप देखें यह तो पैगम्बर है ना आम बंदों में भी आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों के ऊपर बड़ी बड़ी आजमाइशें आती हैं हालांकि वो नेक होते हैं कभी देखा आपने नेक लोगों में बहुत आती हैं अच्छा उसको देख के जो बेवकूफ होते हैं वो क्या कहते हैं ये गुनागार लोग हैं ये वैसे बड़े नेक बनते हैं मगर हैं गुनागार इसीलिए तो इतनी पकड़ आती है इन पर ये कुरान में लिखा हुआ है कि जो मुसीबत आती तुम्हारे अपने किए कि इसका मतलब ये ठीक लोग नहीं है ये माना नहीं होता उसका क्या माना होता उसका हा अबरार हसनातुलबरार सयातुलमक्रबीन शुमार होती हैं ठीक है जिन लोगों को अल्लाह चुन लेता है ना अपना मुकर्रब बनाता है फिर उनमें हर चीज़ अला दर्जे की देखना चाहता है लिहाजा जब वो ज़रा भी सुस्ती करते हैं ज़रा भी कमज़ोर पड़ने लगता है तो अल्लाह ताली उनको किसी ऐसे मसले से दोचार करता है कि वो और फिर करीब हो जाते हैं यहाँ आपने देखा होगा कि हमें जब कोई परेशानी आती है तो हम ज्यादा दुआएं करते हैं ज्यादा इबादतें करते हैं ज़्यादा अल्लाह के करीब होते हैं अच्छा अब एक तरफ आप दुआ मांगते हैं कि अल्लाह मुझे अपना प्यारा बना ले और अपने करीब कर ले अच्छा अल्लाह के करीब होने के लिए फिर आपको कुर्बानियां करनी है फिर जब आप जरा सी रूटीन की लाइफ में आने लगते हैं अल्लाह तला आपको एक और शौक लगाता है एक और किसी मसले में डालता है अब उसमें क्या होता है आप और अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं और रुजू करते हैं और सीढ़ियां ऊपर चढ़ते हैं और चढ़ते हैं और करीब होते चले जाते हैं और अगर वो तकलीफें ना आए तो आप क्या करें आराम करें और फिर ऐसा ऐसा नीचे आने लगे तो आप मुकर्रब के दर्जे से उतरने लगते हैं लिहाजा अल्लाह ताला अपने प्यारों को वाकई दूसरों के मुकाबले में ज्यादा आजमाता है इसीलिए हदीस में आता है कि सबसे ज्यादा आजमाइश किसकी हुई पैगम्बरों की हुई और उससे कम और कम जो उनके जितने करीब हैं तो ये दुनिया की आजमाइशें दरअसल अल्लाह की तोज्जो का या अल्लाह तखरत के लिए बंदे को चुन के खालिश करके दुनिया में ही सब सफाई करके वहां उसको ले जाना लेकिन अपने लिए कभी आजमाइश मांगनी नहीं चाहिए बहरहाल जो भी कोई ऐसी तकलीफ आए तो उस मौके पर क्या याद रखे इंसान नंबर एक अपनी किसी कोताही को याद करे कि मेरी कमी कहाँ से हुई कोई अल्लाह से वादा किया हो जो मैंने पूरा ना किया हो कोई बात मेरी जबान से ऐसी निकली हो किसी को मैंने कुछ सता दिया हो कोई ऐसा काम कर लिया जो मेरे अमल को जाया करने वाला हो तो अल्लाह ताला क्या चाहता है कि मैं उससे बाहर निकलूं उस चीज को छोड़ दूं क्योंकि जब इंसान को हर चीज मिलती चली जाए तो इंसान क्या समझता है कि वो क्या है अल्लाह का बड़ा प्यारा है ये गलत होने लगती है ना और बाजुकात हम उतने प्यारे नहीं होते जितने हम समझने लगते हैं अपने आप को तो ऐसे में अल्लाह ताला फिर हिलाते जुलाते रहते हैं कि तुम और आगे बढ़ो मजीद चाहिए और चाहिए और और हुँ? तो उसमें जो मोमिन होता है अल्लाह उसके दिल को समझ दे देता है उसको फ्लैश करके दिखा देता है ये कमी है इस तरफ तवज्जो करो और वाकई नजर आती है अगर आप आंखें खोलने वाले हो रस्ते फिर खुलते चले जाते हैं अल्लाह ताला छोड़ता नहीं है मैं तेर रसूल फकद अता अल्लाह जो रसूल की इतात करेगा वो दरअसल अल्लाह की इतात करेगा अब आप देखिए कितनी खूबसूरत आयत फौरन बाद आई पीछे जब यह कहा गया ना अगर कोई मुश्किल आई तो आपकी वजह से आई तो अब हो सकता है किसी के दिल में ख्याल आ जाए या ऐसा कोई गुमान आ जाए कि अच्छा पैगंबर का मकाम तो फिर कोई बड़ा मकाम ना हुआ कि नहीं पैगंबर का मकाम अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ा मकाम है पैगंबर की इतात अल्लाह की इतात है मई रसूल फ़कद अता अल्लाह पैगम्बर अल्लाह के चुने हुए होते हैं जो उनकी बात मानता है दरअसल अल्लाह की मान रहा होता है वह मन तवल्ला और जो मुंह मोड़े तोल्ला का यहाँ क्या माने नाफरमानी करे फमार सल्ला का हफीजा तो हमने आपको इन पर निगरान बना के नहीं भेजा जो मानता है माने जो नहीं मानता वो खुद जवाब दे होगा तो इस आयत से क्या पता चलता है कि कुरान की तरह अल्लाह के हुक्म की तरह नबी सल्लाम का हुक्म और आपकी सुन्नत भी नहायत अहम है आपकी सुन्नत पर अमल करना भी इतना ही जरूरी है जितना ये बात आप बहुत तोज्जो से सुनेंगे मई युत रसूल फखत जो रसूल की बात मानेगा गोया जो सुन्नत की पैरवी करेगा वो ऐसे ही है जैसे वो कुरान की पैरवी कर रहा है आप इसमें फर्क नहीं कर सकते जहां तक इतात की बात है तो वो तमाम लोग जो सुन्नत को एक हल्की चीज समझते हैं और एक मामूली चीज समझते हैं या उसे लुक डाउन करते हैं कि यह कोई जरूरी नहीं है उनके लिए बहुत बड़ा सबक है इस आयत में कि रसूल की इतात को मामूली चीज ना समझो क्यों क्यों मामूली ना समझो इसलिए कि रसूल अपने पास से नहीं बातें बताया करता रसूल की जबानी भी अल्लाह ताला जो कुछ कहलवाते हैं वो दरअसल क्या होता है अल्लाह ही का हुक्म होता है वो अल्लाह ही की बात होती है बस शर्त यह है कि वो सुन्नत सही हदीर से साबित हो ठीक है ना और दूसरी बात यह कि पैगंबर का, का काम क्या है लोगों तक बात पहुंचाना उसका काम लोगों के अमल की निगरानी करना नहीं है कैसे हम्म पैगंबर को कहा जा रहा है कि हमने आपको इनके ऊपर निगरान नहीं बना के भेजा क्या आप इनकी हिफाजत करें हुँ? आप इनकी निगरानी करें आपका काम है पहुंचा देना ये करते हैं या नहीं करते हैं इसकी जिम्मेदारी इनके अपने ऊपर अल्लाह इनको पूछ लेगा वह यकूलू न फिर मुनाफिक का हाल बताया जा रहा है मुनाफिक कहते हैं हमने इतात की हम बात मान गए पीछे कहा गया ना कि जो रसूल की इतात करेगा वो अल्लाह की इतात करेगा रसूल की इतात दरअसल अल्लाह ही की इतात है ये कितना बड़ा क्राइटेरिया है कितनी बड़ी बात है अब क्या है सच्चे मोमिन तो अपने दिल में तहिया कर लेते हैं लेकिन मुनाफिक क्या करते हैं जबान से खूब कहते हैं खूब सारे लाते हैं बिल्कुल ठीक है हम आपकी बात मानेंगे हुँ? रस्मी तौर पर खूब हाँ हाँ कर देते हैं जबानी कलामी यानी वैसे बहुत यसर करने वाले होते हैं लेकिन अमला इनका हाल क्या है प्रैक्टिकली क्या करते हैं फा बराजू फिर जब वो अलग होते हैं बेरेज़े बराजा का मतलब होता है निकलना जंग के लिए निकलने के लिए बराजा का लफ्स इस्तेमाल होता है मुबारजत आपस में एक दूसरे से मुकाबला करना तो यानी आपसे अलग होते हैं आपकी मजलिस से उठते हैं आपके पास से जाते हैं यानी आपके पास बैठे होते हैं तो आपकी हर हा में हा मिलाते हैं लेकिन जब उठ के बाहर जाते हैं तो क्या करते हैं है। इनमें से सब नहीं सब मुनाफिक भी एक जैसे नहीं मुनाफकत के भी दर्जे कुछ लोग इनमें से रातों को क्या करते हैं बैय्यता का माना होता है रात के वक्त कोई मशवरा करना मीटिंग करना मंसूबे बनाना और रात का खास तौर पर जिक्र क्यों किया जा रहा है जी ऐसी नेगेटिव एक्टिविटीज को खुफिया रखने के लिए रात के वक्त का क्यों किसी को पता नहीं चलेगा कौन आया कौन गया वैसे भी अक्सर बुरे काम जो है वो अंधेरे में होते हैं रात को होते हैं तो भैया था रात गुजारता है ताइफत एक ग्रोह मिन हम उनमें से गैरल खिलाफ उस बात के गैरा का मतलब यह खिलाफ है तकुल जो वो कह चुका होता है या तुम कहते हो तकुल्लु जो है ये फेल मुन्नस भी है और फेल मुखातब भी है दोनों माने होते हैं तुम कहो या वो कहें तो वाहिद मुन्नस का सीधा भी है और वाहिद मुखातब का वाहिद मुखातब का अगर माना जाए तो मुराद होंगे हजूर वसल्लम यानी जो आप इनको हुक्म देते हैं जो आप इनसे कहते हैं ये वो नहीं करते बल्कि क्या करते हैं आपके पास से निकल कर रातों को छुप छुप कर आपकी बातों के खिलाफ एक्शन प्लान बनाते हैं ठीक है या कफाइल ताइफा है यानी ये ग्रोह इनमें से जो आपके सामने कहता है बाहर निकल के बिल्कुल उसके उलट कहता है ये भी एक मुनाफिकाना तरीका है मोमिनाना तरीका क्या है कि जो कुछ इंसान सामने हो वही पीछे हो जो मुंह पे कहे वही पीछे कहे लेकिन अक्सर लोगों की आदत क्या होती है सामने कुछ कहेंगे और पीछे कुछ और कहेंगे दोहरी शख्सियत दो, दो रुखापन और ये दो रुखापन जो है क्यामत के दिन ऐसे लोग बदतरीन हाल में होंगे जो दुनिया में दो चेहरों वाले हैं सामने कुछ और पीछे कुछ सामने तारीफ करेंगे खुशामद करेंगे और पीछे जड़ें काटेंगे बुरा भला कहेंगे तो उस पर अल्लाह ताला फरमाते हैं वल्लाख मा यूबैय वल्लाख तबु और अल्लाह लिख रहा है क्या क्या लिख रहा है मा यूबैतून जो भी ये रातों को मीटिंग्स करते हैं या छुप के प्लानिंग करते हैं या तुमसे हट के मशवरे करते हैं अब यहां पर आया कि अल्लाह लिख रहा है तो अल्लाह ताला ताला खुद लिखते हैं कौन लिखते हैं फरिश्ते लिखते हैं तो फरिश्तों के लिखने को अल्लाह ताला ने अपना लिखना क्यों कहा क्योंकि वो अल्लाह के हुक्म से लिखते हैं अल्लाह की निगरानी में लिखते हैं फ आ तो आप इनसे एराज बरती है इनको इग्नोर कीजिए क्योंकि मुनाफ को छुपी तो नहीं रहती वो कहीं ना कहीं तो खुल जाती है ना क्योंकि वही लोग जो इनकी मीटिंग्स में शरीक होते हैं वो फिर क्या करते हैं बाहर निकलकर यानी जो गद्दार होता है ना धोखेबाज वो किसी का भी वफादार नहीं होता ना वो अपने का वफ़ादार है ना वो गैर का वफादार है वो अगर पैगंबर की मुखालफत करते हैं तो अपने जो साथी हैं उनको भी धोखा देते हैं धोखेबाज हर एक को धोखा देता है ना या नहीं वो किसी का भी नहीं होता जो इंसान बाउसूल नहीं वो कहीं भी बाउसूल नहीं वो जिसे कहते हैं न कि सांप के बच्चे को अगर दूध पिला के पालो तो क्या करता है जब उसे मौका मिलेगा वो काट लेगा वो किसी के भी खैर और भलाई को नहीं जानता तो ये जो मुनाफकत है ये इसी किस्म का तर्ज अमल है देखिए हकीकत है ना जो अल्लाह से नहीं डरता उसे बंदों का क्या डर हो सकता जो अल्लाह की बात नहीं मानता वो किसी और की क्या मान सकता है जो अल्लाह का वफादार नहीं वो आपका कहाँ से हो सकता है वो नहीं हो सकता तो चूंकि इनकी असल खराबी इनकी मुनाफकत थी फरमाया कि ये लोग फिर क्या करते हैं तुम्हारे खिलाफ मंसूबे बनाते हैं तो आपको जब पता चल जाए इनके मनसूबे इनकी बातें लीक हो जाए तो आप क्या करें फिर उन बातों का पीछा ना करें एराज बरते अच्छा हम लोग क्या करते हैं अगर हमें पता चल जाए कि हमारे बारे में किसी ने कुछ कहा है तो हम पहुंच जाते हैं उसके दरवाजे पे और कहते हैं, मैंने एक बात पूछनी है आपसे मैं तहकीक करना चाहती आपने मेरे बारे में ये कहा या उससे नहीं पूछने की जरूरत होती तो फिर औरों से पूछते हैं अच्छा फुला ने मेरे बारे में क्या कहा था वो फिर क्या शुरू हो जाता आमने सामने कराने का चक्कर चलो आमने सामने कराते हैं इसको अच्छा ऐसी हरकतों से क्या होता है या आमने सामने करने से किस कदर फसाद और लड़ाई झगड़े और अल्लामानलहज ऐसे तमाम मौकों पर जब आपको पता चल जाए कि किसी ने आपको धोखा दिया या कोई गलत काम किया तो अच्छे अखलाक और वक़ार का तकाजा किया है कि मामला अल्लाह के सपुर्द करके इंसान आ रे जन हो इग्नोर करे इन बातों के पीछे ना पड़े व तवक्ल अल्लाह और अल्लाह पे भरोसा करो हम्म यानी आ रे जान हम क्या है कि इग्नोर करके इनकी इसलाह करते रहो इनडायरेक्टली समझाते रहो और जब ना ही समझे तो फिर तवक्ल अल्लाह अल्लाह पे भरोसा करो कुछ नहीं बिगाड़ सकते आपका व बिल्ला ही वकीला काफी है अल्लाह कारसाज वकील जैसे एक और जगह पर आता ना वह अल्लाह, तवक् फसब जो अल्लाह पे तवक्ल करता है अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है तो इस आयत से बुनियादी तौर पर जो सबक हमें मिलता है वो क्या है कि इंसान को बिल्कुल शरीह होना चाहिए शरीह का क्या मतलब है होना चाहिए जो किसी के सामने हो वही पीछे हो अगर किसी के लिए दिल में मोहब्बत नहीं तो झूठी मोहब्बत का इजहार मत करें अगर दिल में इज्जत नहीं तो झूठी इज्जत ना करें किसी की अगर किसी की बात नहीं माननी तो सामने यस सर मत करें अगर आपको किसी की बात से इतफाक नहीं तो आप उसको वहीं बता दें कि मुझे इससे इतफाक नहीं हा? खामोश हो जाए फिर लेकिन सर ना हिलाएं कि हाँ ठीक है बिल्कुल फिर यह सरासर मुनाफ्त है ये इंतहाई दर्जे की मुनाफत है कि आप कमिटमेंट कर लें और उसके बाद फिर जाए यह तो कमिटमेंट ही ना करें क्या मजबूरी और आप देखिए कि ये चीज तो फिर खुल के रहती है ना ये छुपती तो नहीं ऐसी चीज बस आपने किसी काम का किसी से वादा कर लिया हाँ हा, मैं जरूर कर दूंगी और ना आपकी नीयत थी करने की और ना कुछ और उसके बाद आप उससे फिर गए तो क्या पता नहीं चलेगा दूसरे को कि फिर गया भूल है भूल चूक अलग चीज है वैसा आपने किससे वादा किया अच्छा मैं ये लिख दूंगी मैं ये कर दूंगी मैं वो रख दूंगी और फिर आपके जेहन से निकल गया वो दैट्स डिफरेंट वो आपकी नीयत में खराबी नहीं थी नीयत की खराबी के बावजूद जब आपको पता है कि ना आपने करना है ना आप कर सकते हैं ना आपका कोई इरादा है सिर्फ दूसरे को सामने सामने खुश रखने के लिए और वक्ती तौर पर अपनी पोजिशन बनाने के लिए आप झूठी बातें करते हैं ये चीज आखिर तो खुल के रहती है ना यही सरासर मुनाफ्त है और आमतौर पर हम इसको मुनाफ्त समझते नहीं मेरे ख्याल है उसमें ठीक है बाकी अदब एहतराम के तकाजे अगर पूरे किए जाते हों तो इंसान रूढ़ ना हो रूडली अब्रप्टली नो ना करे रूखा फीका जवाब ना दे लेकिन अच्छे से माजरत कर ले मेरा ख्याल है कि मेरे लिए मुश्किल होगा मैं अपने आप को इसके अहल नहीं समझती मेरा ख्याल मैं ये नहीं कर सकूंगी मेरा ख्याल ये हो नहीं सकता कोई भी अच्छा ऐसा जुमला इस्तेमाल करें कि जिससे दूसरे को पता चल जाए कि इसने करना नहीं झूठा वादा गलत है कमिटमेंट नहीं दे अच्छा बाद ये भी होता है वक्ती तौर पर आपका इरादा भी होता है नीयत भी होती है लेकिन बाद में आपको समझ आती है कि ये चीज इस तरह ठीक नहीं है जो मैंने कमिटमेंट कर ली तो अब क्या करना चाहिए यानी बाजू का ऐसा होता है ना आपकी नीयत में कोई खराबी नहीं होती आप विलिंग होते तैयार होते आपसे कहा जी आप फला तारीख को फला दिन को यहाँ आ जाए फलां काम के लिए नाम लिखवा दें फला फला काम के लिए नाम लिखवा दिया अब जब आए तो वो नाम लिखे हुए हैं और कोई आया नहीं हम्म मसलन अगर ऐसा हो या कुछ लोग पहुंचे और कुछ कहें कि मैं तो भूल ही गया था तो अब उससे क्या होगा अब आप सोचें कि अगर कुछ लोगों ने कहा, हम आएंगे फलाना काम करेंगे और जब काम का वक्त है तो पूरे लोग नहीं पहुंचे तो जो आए उनका भी तो वक्त जया होगा ना कि नहीं उनका भी होगा इज्तमाही मामला ऐसे होते हैं असल में चाहे घर में हो चाहे किसी इदारे में हो मिलजुल एक मजलिस में एक चीज तय होती है सब तय कर ली अब जो बाहर निकलते हैं तो वो कोई और बात याद आ जाती है कि नहीं जी वो तो फुलां दिन छुट्टी होती है वैसे किसी खास दिन कोई काम करने को का ओह हो यह तो बाहन से ही निकल गई कि उस दिन तो छुट्टी थी अब क्या फर्ज बनता है उन सब के साथ बात की जाए ये नहीं हो सकता कि फिर दो लोग खुद से फैसला कर लें इजमाही मामला में जिनके दरम्यान बात हो अगर उसको पलटाना है तो उन्हीं के दरमियान फिर दोबारा पलटाया जाए अगर ऐसा ना किया जाए तो फितना फसाद फैलता है तालुकात में खराबी होती है टीम वर्क टूटता है आप देखिए देखिये देखने में तो यूं लगता है ना एक पूरी पिक्चर सामने आती है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी मजलिस में हाजिर हुए आके आपसे बड़ी अच्छी बातें बड़े अदब आदाब से बैठे इनके जो बैठने के स्टाइल थे उसको भी कुरान में डिस्कस किया गया बहुत अच्छी तरह बात करते हैं तो आप उनकी बातें सुनते चले जाए न आपका दिल खुश कर दें बातों से और उठ के जाते हैं तो फिर शक्ल नहीं दिखाते कि वो कहा गए और अगर कोई मुश्किल पड़ जाए मदीना के दिफा का मसला हो यो किसी जंग में जाने का फिर तो बिल्कुल ही नजर नहीं आएंगे तो ये तर्ज अमल मुनाफिकाना तर्ज अमल है देखे हम मुसलमानों की इस वक्त भी मुश्किल है कि हमें टीम वर्क नहीं है हम इंडिविजुअली तो काम करने में अच्छे होते हैं लेकिन हम मिलके नहीं करते तो याद रखिए कि जो काम मिलके के होता उसकी बरकत ही कुछ और होती उसका नतीजा ही कुछ और होता है आखिर نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته